हिंदी कक्षा 3 पाठ 1 की कविता कक्कू। नाम है उसका कक्कू, कक्कू माने कोयल होता, लेकिन यह तो दिन भर रोता, इसीलिए हम इसे चिढ़ाते, कहते इसको सक्कू, नाम है उसका कक्कू। कोयल माने मिश्री जैसी मीठी जिसकी बोली, यह तो जाता भड़क, करो जब इससे तनिक ठिठोली, इसीलिए तो कभी कभी हम कहते इसको भक्कू, नाम है उसका कक्कू। कक्कू वह जो गाना गाए, बात बात में जो चिढ़ जाए, रहता मुंह जो सदा फुलाए, गाना जिसको जरा ना आए, ऐसे झगड़ालू को अब से क्यों ना कहे हम झक्कू, नाम है उसका कक्कू। ओके, तो बच्चों, इस कविता में हमें एक ऐसे बच्चे के बारे में बताया है जो हमेशा अपना मुंह फुलाए रखता है, हमेशा गुस्सा करता है, झगड़ालू है, ठीक है, और उसका नाम क्या है? कक्कू। ठीक है, अब इसमें है, नाम है उसका कक्कू, कक्कू माने कोयल होता। अब उसका नाम कक्कू है और उसके नाम का मतलब क्या है? कोयल। ठीक है, लेकिन वो दिन भर रोता ही रहता है, इसलिए सब बच्चे उसको चिढ़ाते हैं और उसको सक्कू कह के चिढ़ाते हैं, लेकिन नाम उसका क्या है? कक्कू। कोयल के जैसी जो मीठी बोली, मतलब कोयल जैसे मीठा जो बोलते हैं, लेकिन जो कक्कू है वो बात बात पर भड़क जाता है, अगर उसे जरा सा भी मजाक करो, है ना, जरा सी भी ठिठोली करो, मस्ती मजाक करो, तो वो भड़क जाता है, इसीलिए कभी कभी सब उसको क्या कह के चिढ़ाते हैं? भक्कू। लेकिन नाम उसका क्या है? कक्कू। कक्कू वह जो गाना गाए, बात बात में जो चिढ़ जाए। अब वो बात बात में चिढ़ जाता है, अपना मुंह फुला लेता है, उसका मुंह हमेशा फूला हुआ रहता है, और उसको गाना तो बिल्कुल भी नहीं आता, और वो बहुत ही ज्यादा झगड़ालू है, हमेशा लड़ पड़ता है किसी से, तो फिर बच्चे कहते हैं कि क्यों ना हम ऐसे झगड़ालू को कहें झक्कू, लेकिन नाम उसका क्या है? कक्कू। अब हम इस कहानी के प्रश्न करेंगे। पहला है, तुम अपना नाम लिखो और बताओ कि तुम्हारे नाम का क्या मतलब है। अब ये तो आपको खुद करना पड़ेगा, जो आपका नाम है, आपके नाम का क्या मतलब है, ठीक है, उसके बारे में आपको यहाँ लिखना है। फिर है, तुम्हें लोग और किन-किन नामों से बुलाते हैं, जैसे प्यार वाला नाम है ना, आपको यहाँ बताना है। फिर चिढ़ाने वाले नाम से अगर आपको कोई बुलाता है तो किस नाम से, आपको वो यहाँ लिखना है, और जो आपके दोस्त जिस नाम से आपको बुलाते हैं वो आपको बताना है। ठीक है, सोचो और लिखो कि किसी किसी को नीचे दिए गए नामों से क्यों बुलाया जाता होगा, जैसे अगर कोई किसी को गप्पू कह के बुलाता है तो क्यों कहता होगा, शायद वो ज्यादा बोलता होगा, है ना, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, वह ज्यादा बोलता होगा। ठीक है, फिर है भोली। अब भोली क्यों कह के बुलाता होगा, शायद वो या तो सीधी सादी होगी, है ना, वह सीधी सादी होगी। फिर छुटकी, अब छुटकी क्यों कह के बुलाते होंगे किसी को, वह घर में सबसे छोटी होगी। फिर गोलू क्यों कह के बुलाते होंगे, वो गोल मटोल होगा, है ना,
अगला है, अब बताओ तुम्हारा कौन सा दोस्त कौन सी सहेली। अब आपको बताना है कि भक्कू जैसा आपका कौन सा दोस्त है, उसका नाम आप यहाँ लिखोगे। जक्कू जैसा आपका कौन सा दोस्त है, आप उसका नाम यहाँ लिखोगे। और गप्पू जैसा कौन है, उसका नाम यहाँ पर। ठीक है, आगे है, ककू वह जो सदा हंसाए, रोना उसे जरा ना आए, चिड़िया के संग गाना गाए, संग मोर के नाचे, इसीलिए तो कभी कभी हम कहते उसको कक्कू। ठीक है, फिर आगे है, कक्कू कोयल जैसा क्यों नहीं है लिखो। अब कक्कू कोयल जैसा क्यों नहीं है, कक्कू कोयल जैसा इसलिए नहीं है क्योंकि वह दिन भर रोता है, वह कोयल जैसा मीठा नहीं बोलता, बल्कि झगड़ा करता है। झगड़ा करता है और हर बात पर भड़क जाता है। ठीक है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।